नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 फरवरी शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8073 नए केस मिले हैं, जबकि 22 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में जिलेवार केस की स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा 1862 मरीज जयपुर में मिले हैं और 6 की मौत हो गई। राज्य में गुरुवार को 7141 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 58,000 से बढ़कर 59,000 के पार हो गए हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार जोधपुर में 765, उदयपुर में 465, अलवर में 417, डूंगरपुर में 360, अजमेर में 344 और पाली में 332 केस मिले हैं। वहीं जोधपुर में 3, उदयपुर कोटा में 2-2 और डूंगरपुर अजमेर श्रीगंगानगर भरतपुर झुंझुनू चूरू बूंदी करौली दौसा में 1-1 मरीज की मौत हो गई। वहीं 8 जिलों में 100 से कम केस आए। सबसे कम 9 मरीज जालोर से मिले। जैसलमेर में 34, दौसा में 39, करौली में 40, धौलपुर में 46, बाड़मेर में 53, बूंदी से 74 और टोंक से 81 केस मिले। पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक मॉल के निर्माण के दौरान लोहे का स्लैब गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ अन्य भी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा यरवडा इलाके में शास्त्री वाडिया बंगले के पास हुआ। यहाँ एक मॉल बनाया जा रहा था, इसके बेसमेंट में लोहे का स्लैब ढह गया। पुणे के DCP रोहिदास पमवार ने बताया कि निर्माण के दौरान जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी, शायद वह नहीं बरती गई। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर राहुल श्रीराम ने बताया कि इमारत में देर रात तक काम चल रहा था, तभी अचानक लोहे का भारी भरकम स्लैब गिर गया। जिस वक्त हादसा हुआ, वहां 10 मजदूर काम कर रहे थे। मरने वाले अधिकांश मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 1 फरवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य करने और बिना वैक्सीनेशन वालों को पाबंदी बढ़ाने से सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। वैक्सीन नहीं लगाने वालों पर गहलोत सरकार फिलहाल सख्ती नहीं करेगी। बिना वैक्सीन वालों की सार्वजनिक स्थानों बाजारों में एंट्री रोकने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी नहीं होंगी। पहले मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाने वालों के लिए सख्त प्रावधान करने की बात कही थी। सचिवालय सहित प्रमुख सरकारी दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री देने का प्रावधान है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हों। इसके अलावा फिलहाल नई पाबंदी नहीं लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि CM ने सबसे वैक्सीन लगाने की अपील की थी, उसका असर हुआ है। पहली डोज 96% लोगों का लग चुकी है, 80% से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि नई पाबंदियों की आवश्यकता नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अवैध रेत खनन मामले में CM चरणजीत चन्नी के भांजे भूपिंदर हनी को गिरफ्तार कर लिया है। ED ने हनी को पूछताछ के लिए जलंधर ऑफिस बुलाया था। ED ने भूपिंदर हनी को जलंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ की गई। जवाबों में ED संतुष्ट नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे रात करीब 1 बजे मेडिकल जाँच के लिए जलंधर अस्पताल ले जाया गया। अब उसे रिमांड में लेकर पूछताछ होगी। ED ने 18 जनवरी को भूपिंदर हनी और उसके साथियों के ठिकानों पर मोहाली और लुधियाना में रेड की थी। इस दौरान 10 करोड़ कैश, 12 लाख की रोलेक्स घड़ी, 21 लाख का सोना बरामद किया था। ED ने 8 करोड़ हनी के मोहाली के होमलैंड स्थित घर और 2 करोड़ उसके पार्टनर संदीप के लुधियाना स्थित ठिकाने से बरामद किया था। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले मिली एक युवक की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवा दी। पत्नी की घिनौनी हरकत यहीं नहीं रुकी। हत्या के बाद दोनों ने रात भर रोमांस किया। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर शाम नेशनल हाईवे 458 हाईवे पर अरनियाला के पास एक खाई में चंपा राम का शव मिला था। भाई लक्ष्मण राम ने बताया कि चंपा लाल के शरीर पर चोट के निशान थे। लक्ष्मण राम का आरोप है कि चंपा लाल की पत्नी मंजू देवी का 8 से 10 सालों से गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध है। पुलिस ने बताया कि जाँच शुरू की गई तो सामने आया कि चंपा लाल की पत्नी मंजू का गाँव के ही रामचंद्र के साथ अवैध संबंधों की बात सामने आई। इस पर मंजू और रामचंद्र को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सीकर जिले के लोसल में ACB ने नगर पालिका में भूमि शाखा के वरिष्ठ सहायक विशाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के SP जाकिर अख्तर के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि लोसल नगर पालिका में भूमि शाखा के वरिष्ठ सहायक विशाल ने प्रशासन गांव के संग अभियान में पट्टा बनाने और फाइल तैयार करवाने की एवज में परिवादी रामेश्वर से रिश्वत की मांग की। परिवादी की ओर से शिकायत मिलने के बाद ACB ने शिकंजा कसते हुए वरिष्ठ सहायक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विशाल ने परिवादी से पट्टा बनाने और फाइल तैयार करने की एवज में सरकारी रेट 18,100 के साथ ऊपर से खुद के लिए 5,000 रुपये की मांग की थी।
भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के बहनेरा के पास सड़क हादसे में चचेरे दो भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनके दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कार की रफ्तार ज्यादा थी, बेकाबू होकर वह डिवाइडर पर चढ़ी और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे इतना भीषण था कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार के एयरबैग भी खुलकर फट गए। चारों दोस्त शादी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन शादी में पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया। हादसे में धौलपुर निवासी विवेक और दीपक की मौत हो गई, जबकि दो दोस्त मनिया निवासी हिमांशु और सौरभ का इलाज चल रहा है। चारों अपने दोस्त विकास के जीजा के छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अजमेर शहर के पेट्रोल पंप व्यवसायी व उसके परिजनों को एक बार फिर फिरौती के लिए धमकियां मिली हैं। फोन पर मिली धमकियां विदेशी कॉल मलेशिया से आ रही हैं। पेट्रोल व्यवसायी की रिपोर्ट पर क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल पंप संचालक नवीन गर्ग को इससे पूर्व 17 से 20 अक्टूबर 2021 को धमकियां मिली थी। फिर बाइक सवार दो नकाबपोशों ने 20 अक्टूबर की रात को नवीन गर्ग के पुत्र नमन के घर पर ताबड़तोड़ फायर की और फायर फरार हो गए, जिसमें नमन घायल हुआ था। हालांकि पुलिस ने पूर्व के मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह खरवा सहित तीन जनों को गिरफ्तार कर लिया था। एक बार फिर पेट्रोल पंप व्यवसायी व उनके परिजनों को मिली धमकी पंजाब जेल में बंद भूपेंद्र सिंह खरवा की तरफ इशारा कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिरोही जिले के रेवदर कस्बे के डंगराली गांव में एक ही दिन में दो भाइयों की मौत हो गई। बड़े भाई की मौत के 20 मिनट बाद छोटे भाई ने भी दम तोड़ दिया। दोनों भाइयों की एक साथ मौत से इलाके के लोग हैरान हैं, क्योंकि एक भाई बीमार था जबकि दूसरा बिल्कुल स्वस्थ था। लोगों का कहना है कि दोनों भाइयों का प्रेम मिसाल था, कभी उनके बीच झगड़ा तो दूर मामूली अनबन भी कभी नहीं हुई। ये अटूट प्रेम ही था कि 5 दिन पहले एक भाई की मौत के बाद दूसरे ने भी दम तोड़ दिया। रावताराम और हीरा राम देवासी की उम्र में 15 साल का फासला था। रावताराम बड़े थे। दोनों भाइयों की शादी भी एक ही दिन हुई और एक ही दिन दोनों का निधन हो गया। बूंदी जिले के नमाना थाना क्षेत्र में चोरों ने 4 सोने मकान को निशाना बनाया। मकान के ताले तोड़कर घुसे चोर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि आमली रोड पर रहने वाले राधेश्याम मालव के यहाँ चोरी हुई। वह परिवार सहित बाहर गया था। मकान का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने वे 8 लाख रुपए चोरी कर ले गए। वही पास ही रहने वाले महादेव गुजर के घर को निशाना बनाया। वह परिवार सहित परिचित की शादी में शामिल होने गया था। चोरियां से 60,000 रुपए चोरी कर ले गए। चोरी की तीसरी वारदात कॉलोनी में ही रहने वाले गोरु गोस्वामी से हुई। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।